Hi everyone, welcome to JMW, JE Math Salah. So JE Advanced Aspirants, in this video you will get 5 fantastic important PEYQ from trigonometric equations from 1994 to 1997. So my dear friends, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. Let n be positive integer such that sin pi by 2n plus cos pi by 2n equal to root n by 2, then n का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. ये 94 में पूछा गया था. देखो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग कर दिया. ये रिलेशंस मिले, 2 sin a cos a sin 2a, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, n माइनस 4 बाय 4 है. ठीक है, क्लियर. यहीं पे जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन से यहीं पे क्या ला रहा है, देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. ठीक है, क्लियर. यहीं पे सो दिस इज, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहीं पे a कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो नेगेटिव नहीं होगा तो इसीलिए इस रेंज पे है. क्लियर, सो दैट मींस क्या, जो y का वैल्यू है 0 से 1 का बीच में है. सो दिस इज n माइनस पाई बाय 4 बाय 4 टू 1 है. इसका जो वैल्यू है 0 से 1 का बीच में है. सो दैट इज इज वेल, सो दिस इज n का वैल्यू 4 से 8 के बीच में. Let 2 sin square x plus 3 sin x minus 2 is greater than equal to 0 and x square minus x minus 2 is less than 0, then x lies in radian में क्या होगा वो तुम्हें बताना है. ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किया, सो दिस नंबर लाइन में सिंपली प्लॉट कर दिया, प्लस माइनस प्लस. ये पॉजिटिव पार्ट, ए भी पॉजिटिव पार्ट है ना, लेकिन इसका वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू तो माइनस टू से छोटा नहीं हो सकता है, तो इसको रिजेक्ट कर दो. इसे कंसिडर करो, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है. इन इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू माइनस वन से टू का बीच में है. जब साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, सो दिस इज पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स. ए पार्ट को कंसिडर करना है, सो दिस इज ए रिक्वायर्ड पार्ट है, इसे कंसिडर करोगे. एंड सो हियर x नंबर लाइन में प्लॉट कर दो. देखो पाई का वैल्यू क्या, 3.14 बाय 6, सो दैट इज क्या, 2 से तो छोटा है ना, 5 पाई बाय 6 2 से बड़ा है, सो लाइक दिस. ठीक है, देखो ये वैल्यू माइनस 1 से 2 और पाई बाय 6 से, ये दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू क्या है, दिस है. ठीक है, सो दैट मींस क्या, क्लोज इंटरवल के लिए सेटिस्फाई कर ले तो ओपन इंटरवल के लिए भी सेटिस्फाई करेगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 94 का क्वेश्चन है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है. इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से तब तक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो. फाइंड ऑन वैल्यूज ऑफ थीटा इन दिस सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस. ठीक है, सो दिस इज, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन फोर थीटा प्लस 2 टू द पावर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दिस. ठीक है, मैंने टेन स्क्वायर थीटा को x कंसीडर किया, 2 टू द पावर x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. ये 2 टू द पावर x का ग्राफ है एंड x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ है, सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, सो दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर पाई बाई 3 है. सो थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली इक्वल से प्लस माइनस पाई बाई 3, विदाउट ग्राफ भी कर सकते थे. इट इज ट्रू फॉर ओनली व्हेन जब x इक्वल टू 3 है. ठीक है, x जब 3 है ऐसा करके भी आप कर सकते थे. सो दैट मींस द फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या है, प्लस माइनस पाई बाई 3. 96 का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना. फाइंड थीटा इफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है. सो दिस इज sec 2 थीटा को ऐसा करके लिखा, 1 बाय cos 2 थीटा. cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अभी टेन स्क्वायर थीटा को x कंसीडर किया है, ऐसा मिला है, x को इधर ट्रांसपोज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये रिलेशंस मिला, x इक्वल टू 0 एंड 3 है. जब x इज 0 है टेन स्क्वायर थीटा इज 0, थीटा इज n पाई एंड बिलोंग्स टू इंटीजर. व्हेन x इज 3 है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 टेन स्क्वायर पाई बाय. ठीक है, सो दिस इज टेन स्क्वायर पाई बाय 3, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस. ठीक है, फॉर एवरी x इन माइनस पाई से पाई. सो मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, इसका फैक्टर फाइंड किया. ये तो cos square x है, sin square x को cos में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस, सो ये दोनों से cos square x कॉमन ले लो, cos 5x, इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया, cos square x माइनस 2 इक्वल टू 0.
दिस इज इक्वल टू जीरो एज वेल एज दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू इस रेंज पे लाई कर रहा है तो एक्स का वैल्यू पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू के लिए ये जीरो है। एंड इट इज ट्रू ओनली व्हेन एक्स का वैल्यू जीरो एंड इवन पाई, इवन पाई तो यहीं पे नहीं है, सो दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ट्रू है। सपोज ये क्वेश्चन देखकर नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछे इन दिस इंटरवल, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन दैट इज इज थ्री है, पर एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू जीरो है, पाई बाई टू है, लेकिन यहीं पे रियल रूट्स बोला है तो यही रियल रूट्स है, सो दैट इज रियल रूट्स इज थ्री है, एक्स इज प्लस माइनस पाई बाई टू एंड जीरो है। So my dear friends, you have got five fantastic PYQ from trigonometric equations. If you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel JMW. Thank you very much for watching me and listening my word, and all the very best for your forthcoming JEE advancement.